क्या वाकई हजारों साल पहले मंदिर इसी वजह से बनाए गए थे? आखिर मंदिर बनाने की वजह क्या रही होगी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी होगी मंदिरों की? क्यों हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए जिन्हें बनाने में दशकों लग गए थे? दोस्तों, डिवाइन पावर को और इंटेंसिफाई रूप में पाने के लिए मंदिर बनाए गए। इसे यूं समझिए, जिस तरह साउंड वेव्स को कैच करने के लिए सेलफोन चाहिए, ठीक उसी तरह डिवाइन पावर को उसकी नेचुरल इंटेंसिटी में कैच करने के लिए चाहिए एक पावरफुल टूल, जो है मंदिर। एक तरह से यूं समझिए, कॉस्मिक कनेक्शन के लिए बनाए गए पावरफुल टूल है मंदिर। ये एक पॉसिबिलिटी है उस डायमेंशन को छूने की जिससे हम इंसान बने। ये संसार बना, ये ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड में दूसरे आयामों से कनेक्शन बिठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ना सिर्फ मंदिरों में डिवाइन स्ट्रक्चर स्थापित किए, बल्कि उन्हें कॉन्सिक्रेट यानी प्राण प्रतिष्ठित भी किया। प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्तियों में जान आ जाना नहीं होता है दोस्तों, ये प्राण एनर्जी की तरह प्रतिष्ठित किए जाते हैं। जी हाँ, मूर्तियों को एनर्जाइज किया जाता है, और जब हम उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं तो हमें वो एनर्जी महसूस होती है, हमें परेशानी का हल मिलता है, हमारा दुख दूर होता है, और हम खुद को भगवान से जोड़ते हैं। ये सिर्फ उन डिवाइन एनर्जीज की वजह से होता है दोस्तों। ये एनर्जी आपका सिस्टम जब कैच करता है तो आपकी एनर्जी बॉडी अलाइंड होती है और आप पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे हमें अलग अलग लोगों से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। देखिए दोस्तों, एनर्जी जो है वो आपके थॉट प्रोसेस से ड्राइव होती है और सामने वाला वही महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती है। अगर आप अपनी एनर्जी के प्रति सेंसिटिव होंगे तो आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे। कई मंदिरों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है आप गिल्ट महसूस करें उस काम के लिए जो आपको गलत लगता है। ऐसी जगह आपको मेल्ट करती हैं, आपको लाइट करती हैं, आपको हल्कापन महसूस कराती हैं। दोस्तों, प्राचीन मंदिर ऐसे एनर्जी सेंटर्स थे जो इंसान की डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए थे। तभी तो मंदिरों में जाने से पहले नहाया जाता था, ताकि आपकी बॉडी उस एनर्जी के लिए और रिसेप्टिव बने। मंदिर कॉस्मोस के साथ अपना कनेक्शन बैठाने की जगह के तौर पर बने थे, जहां आंख बंद करके ब्रह्मांड के आयामों से जुड़ा जाता था। तभी तो आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ देर आंख बंद करके जरूर बैठते हैं। आप इस दुनिया में कब आए, कब जाएंगे, क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन में कभी ना कभी सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ने की जरूरत जरूर महसूस होगी। आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहेंगे जिससे आप बने। मंदिर उस मार्ग का द्वार है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मंदिर जाकर ये संभव है दोस्तों। अगर आपके घर में मंदिर जैसा एनवायरनमेंट है, कॉन्सेक्रेटेड मूर्ति है, तो आप कॉस्मोस के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें जितना हो सके इस एनर्जी के पास रहना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर जाना चाहिए। खासकर 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस पर रेगुलरली जाते हैं तो उनकी एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स बहुत हद तक अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, मंदिर या कहिए कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस उस डायमेंशन से जुड़ने का द्वार है जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा एनर्जी सिस्टम ऐसे अलाइंड होता है कि हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अगली बार जब भी किसी मंदिर में जाएं, तो वहाँ की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उस कॉन्सेक्रेटेड स्पेस की एनर्जी को अपनी एनर्जी सिस्टम से एक होता जरूर महसूस कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक सोच है, ये एक साइंस है जिसे हजारों साल पहले इवॉल्व किया गया था, जो इंसान को अपग्रेड करती है, और आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस मॉडर्न युग में हम बाहरी तौर पर बहुत बदल चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसान अब भी वही है, और आज भी सनातन प्रैक्टिसेस और साइंस हमें अपग्रेड करने के लिए उतनी ही एप्लीकेबल हैं। सनातन सोच के माध्यम से मैं ऐसी ही चीजें, ऐसी ही साइंस आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसी ही कुछ प्रैक्टिसेस हैं, साइंस हैं, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है इस वक्त वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही हमारा भविष्य। प्रणाम।